डांची से निकल के छंगिन छायमो के साथ शोभू पहुंचता है और वहाँ के राजा के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर शोभू की आर्मी डांची के ऊपर हमला करने के लिए ली डायनेस्टी का साथ देती है तो उन्हें जीत के बाद डांची का एक अच्छा खासा हिस्सा दिया जाएगा। सौदा काफी अच्छा था और साथ ही शोभू की हमेशा से डांची उसे कोई न कोई खटपट रहती थी, इसलिए शोभू के राजा ने तो मन बना लिया था, पर ली डान इसके समर्थन में नहीं था। उसे डर था कि कहीं बाई चांस डांची जीत गए तो ली डायनेस्टी पर तो इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर शोभू जैसे छोटे राज को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ली डान के विचार से सहमत होकर शोभू किंग भी आखिरकार छंगिन के इस ऑफर से इनकार कर देते हैं। हताश होकर छंगिन और छायमू वापस आई रहते कि उन्हें ली डान रोक लेता है और ली डान के ऑफर को मना करने के पीछे की असली बात अब सामने आती है। तो बात ये थी कि ली डान अपनी तरफ से 100,000 आर्मी भेजने को तैयार था, पर शर्त ये थी कि डांची से युद्ध के बाद छंगिन को उसे शोभू का अगला राजा बनवाने में मदद करनी पड़ेगी। छंगिन को इस शर्त से कोई एतराज नहीं था, सो वो इस सौदे को मान लेता है। शफांग इधर दिन रात इंतजार में लगी हुई थी अपने एक मामूली से चाय के व्यापारी कु शाओ के, जो आएगा और उसे अपनी दुल्हन बना के ले जाएगा। प्रिंस वांडे को यहाँ खबर मिलती है छंगिन के सही सलामत डांची से वापस आने की। उनके तो होश ही उड़ जाते हैं ये जान के कि छंगिन को डांची किंग के कैंप तक का रास्ता भी पता चल गया है। छंगिन अपने सेंसेस और मेमोरी की मदद से पूरे डांची के कैंप तक की जर्नी को एक मैप के रूप में उतार देता है। इतनी डिटेल के साथ मैप तैयार करवाना, ऊपर से छंगिन ने ली डान से 100,000 सेना की मदद भी ले ली थी, ये सब देख के और जान के प्रिंस श्वांडे अंदर ही अंदर जल बुन रहे थे, पर बाहर से डांच चाहते हुए भी वो छंगिन की तारीफों के पुल बांध रहे थे। प्रिंस श्वांडे ने कभी भी छंगिन को क्राउन प्रिंस की गति के लिए कभी भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रतियोगी नहीं माना था, क्योंकि छंगिन को कभी राजनीति, युद्ध इन सब से मतलब ही नहीं रहता था। पर अब जब छंगिन उन्हें डांची के ऊपर हमले की सारी प्लानिंग शेयर करता है, तब प्रिंस श्वांडे को एहसास होता है कि छंगिन का दिमाग तो तेज है ही, पर युद्ध नीति में भी वो बहुत ज्यादा कुशल है। प्रिंस श्वांडे सबके सामने निर्णय लेते हैं कि वो 1 महीने के बाद डांची पर हमला बोलेंगे और डांची पर हमले की पूरी जिम्मेदारी भी वही उठाएंगे। वो जानबूझकर छंगिन को यही वेस्टलैंड मेंशन में गार्डिंग करने का ऑर्डर देते हैं, ये कह के कि उसने इन दिनों में बहुत मेहनत कर ली है, अब आगे उसका ये बड़ा भाई संभालेगा। पर असली मकसद तो छंगिन के सारी मेहनत को अपने नाम करना था, जिससे उसके फादर को लगे कि डांची पर हमले का पूरा काम प्रिंस श्वांडे ने खुद किया है और बस ये अचीवमेंट काफी है क्राउन प्रिंस का टाइटल पाने के लिए। लेकिन छायमू और जनरल पे ने अलग प्लानिंग करना शुरू कर दिया था और इस प्लानिंग के हिसाब से जनरल पे की आर्मी के साथ छंगिन अपना अलग से डांची किंग के कैंप पर धावा बोलेगा और वहां पर से डांची का झंडा हटाकर ली डायनेस्टी का झंडा फहराएगा। इन प्लानिंग के बीच कुछ यान का छंगिन से सवाल था, बाकी सब तो ठीक है, डांची पर अगले 1 महीने में बड़ा युद्ध होने वाला है, पर शाफांग के बारे में तुमने क्या सोचा है? छंगिन जवाब देता है, मैं सबसे पहले शफांग को डांची से दूर ले जाऊंगा। कुशियान कहता है, तुम रहने दो, मैं उसे ले आऊंगा। पर छंगिन शफांग पर अपना हक जताते हुए जवाब देता है, लेकिन शफांग मेरा इंतजार कर रही है। और कुछ देर के लिए एक सीरियस सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है सबके बीच। जनरल पी तक को भी सफोकेशन होने लगी थी इन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर। आखिरकार छंगिन चुप्पी तोड़कर कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, मैं शफांग को किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कुजियान एकदम सटीक रिप्लाई देता है कि हम तो ऑलरेडी उसे चोट पहुंचाने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। इधर शफांग रोज की तरह आज भी अपने गु शाओ की राह तक रही थी और रोज की तरह ही गु शाओ का कोई अता पता नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा शफांग को भी लगने लगता है कि गु शाओ है तो एक आम चाय का व्यापारी ही, वो कैसे भेड़िए के राजा को मार सकता है जिसे आज तक कोई नहीं मार पाया। अभी वो इसी कंफ्यूजन से लड़ी रही थी कि तभी शोर की आवाज आती है कि किसी ने भेड़िए के राजा को मार गिराया है। शफांग खुशी से लहराते हुए उसी ओर भागती है, वो शोर थी कि ये गु शाओ ही होगा। पर शफांग की सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाती है वहाँ पर किसी और को देख कर। इस भेड़िए को मारने वाला वो इंसान बहुत डींगे मार रहा था कि उसने कितनी बहादुरी से इस भेड़िए के राजा को मारा है, लेकिन शफांग उसकी सारी डींगों पर पानी फेंक देती है क्योंकि ये भेड़िया एक आम सा भेड़िया था।
जिसे नकली डाई लगाकर भेड़ियों के राजा का रूप दे दिया गया था। गोजियान आने वाले इस युद्ध और उसे हो सकने वाले बदलाव को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था, पर वो इसे रोक भी नहीं सकता है। बस वो यही चाहता है कि शफांग इस सब में सेफ रहे। इधर छंगिन युद्ध से पहले शफांग के लिए एक बार फिर से वापस तांची जाने के लिए तैयार था, पर उसके लिए उसे सबसे पहले उस भेड़िए के राजा का काम तमाम करना होगा। इधर तांची में फिर से शोर शराबा शुरू हो जाता है कि किसी ने भेड़िए के राजा को मार गिराया है। शफांग हर रोज नकली राजा को देख देख के पक चुकी थी, सो उसे इस बार भी लगता है कि ऐसा ही कोई ऐरा गैरा आया होगा। लेकिन नहीं, इस बार वो गलत साबित हो जाती है, और गलत साबित हो के भी वो बहुत खुश थी। छंगिन उसे कहता है, देखो मैं आ गया तुमसे शादी करने। सब तरफ यही फुसफुसाहट हो रही थी कि क्या हमारी प्रिंसेस की शादी चोंगयांग के आदमी से होगी, ये कैसे हो सकता है। पर आखिरी निर्णय लेने दांची किंग टाइडार पधार चुके थे। वो आते ही सबके सवालों पर ताला लगा देते हैं। वो भेड़िए को देखकर ऐलान करते हैं कि हाँ, ये सफेद आंखों वाला असली भेड़िए का राजा है। हैशिक खुशी से छंगिन मतलब कुशाओ को बधाई देता है। हैशिक के धक्के से हमारी कुशाओ की इस भेड़िए को मारने से मिली गंभीर चोट सबके सामने आ जाती है। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले कुशाओ की मरहम पट्टी की जाती है। इधर ये मोयान और किंग टाइडार एकांत में आके बातचीत करते हैं। ये मोयान जानना चाहता था कि क्या सच में वो शफांग की शादी चोंगयांग के आदमी से करने वाले हैं, जिनसे हमेशा उन्हें नफरत रही है और जिसका अता पता उन्हें कुछ नहीं पता। किंग टाइडार का कहना था, मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता, और एक योद्धा कहाँ से आया हो, उसका अता पता क्या है, ये मायने नहीं रखता। अगर वो हमारी शफांग के लिए दांची में रहने को तैयार है तो हमें कोई एतराज नहीं है। पर एक बात की मोयान और किंग टाइडार को जरूर खटक रही थी कि एक आम से चाय के व्यापारी में भेड़िए के राजा को मारने की क्षमता कैसे हो सकती है। चलिए हम छोटी सी झलक देख लेते हैं कि छंगिन उर्फ कुशाओ ने इस भेड़िए पर जीत कैसे हासिल की। जिस बेचारे भेड़िए के राजा को मारने पर मेरे हिसाब से तो शोक होना चाहिए, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर जश्न का माहौल था। शाफांग ने स्ट्रिक्टली गुशाओ के ड्रिंक करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि जिस तरह से वो अभी घायल है उसका पीना उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। ये मोयान शफांग को इस पर छेड़ने लगते हैं कि शादी हुई नहीं और अभी से शफांग अपने होने वाले पतिदेव को प्रोटेक्ट करने लगी है। गुशाओ की प्रतिभा और बहादुरी को देख के ये मोयान सजेस्ट करता है कि क्यों ना भविष्य में हैशिक के साथ साथ गुशाओ को भी दांची का महावीर योद्धा घोषित कर दिया जाए। ऐसे ही मजे मजे में वो सब एक कॉम्पिटिशन रखने का डिसाइड करते हैं हैशी और कुशाओ के बीच। छंगिन कहता है कि वो हैशी के साथ तीरंदाजी में कम्पीट करना चाहता है। शफांग और सभी शॉक में आ जाते हैं, हैशी की तीरंदाजी का कोई मेल नहीं है, क्या ये कुशाओ हर बार की तरह जीत पाएगा। सो तीरंदाजी की प्रतियोगिता के लिए जो निशाना चुना जाता है वो थे चोंगयांग के गुलाम। इन पर निशाना लगाकर उन्हें चोट पहुँचाना नामुमकिन था छंगिन के लिए। छंगिन समझ तो गया था कि किंग टाइडार उसके देश के लोगों पर निशाने लगवाकर उसकी परीक्षा ले रहा है। शफांग आगे आकर गुलामों के ऊपर निशानेबाजी के खिलाफ आवाज उठाती है, और इसी का फायदा उठाकर छंगिन सजेस्ट करता है कि क्यों ना मैदान में चमगादड़ों को उड़ा के उन पर निशाना लगाया जाए, और जो ज्यादा चमगादड़ों को पकड़ पाएगा वो जीत जाएगा और इस तरह से कॉम्पिटिशन में ज्यादा मजा आएगा। ये सुझाव कुछ नया और चैलेंजिंग था, इसीलिए सभी मान भी जाते हैं। छंगिन को तीरंदाजी के लिए तांची का स्पेशल बनाया गया बो दिया जाता है, जो वजन में बहुत भारी था। सरप्राइजिंगली छंगिन आराम से इस बो को बिना हल्का सभी झुकाए किंग टाइडार के हाथों से ले लेता है। पूरी भीड़ में सब हंसी ठहाके मारने लगते हैं कि चोंगयांग का ये नाजुक दुबला पतला आदमी तांची के योद्धाओं के बो को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएगा, जीतना तो दूर की बात है। एक तो कुशाओ के पैर की चोट, ऊपर से लोहे का बो, शफांग को कुशाओ की बहुत फिक्र हो रही थी। चमगादड़ों की गुफा में पत्थर मार के हलचल करके उन्हें बाहर बुलाया जाता है, और आते ही हैशी उन पर निशाना लगाने के काम पर जुट जाता है। पर असली हीरो तो हमारा छंगिन है, जिसकी अनोखी तीरंदाजी हमने पहले भी देखी है। वो तो भाई एक नहीं तीन तीन तीरों से निशाना लगाता है। इस एबिलिटी को देखकर किंग टाइडार और भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये तीरंदाजी की कला उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद काउंट करने पर
परिणाम मिलता है कि दोनों ने ही 100-100 चमगादड़ों को मारा है। पर हर्षि खुद ही अपनी हार मान लेता है, लेकिन छंगेन उन्हें कंसोल करता है, मेरा लक अच्छा था इसीलिए मैंने इतने सारे मार लिए, नहीं तो आपसे मेरा क्या ही मुकाबला। पर प्रतियोगिता का विनर तो एक ही होता है और आज के कॉम्पिटिशन को देखते हुए वो विनर कु शाओ ही था। सो किंग टाइडर उसके सामने ऑफर रखते हैं कि वो इनाम के रूप में जो चाहता है उनसे मांग ले। मौके पर छक्का मारते हुए छंगेन मांग लेता है उनकी प्यारी ग्रैंड डॉटर शफांग का हाथ। अब शफांग से ज्यादा कीमती वो क्या ही मांग सकता है। किंग टाइडर इस मांग पर कुछ भी नहीं बोलते, बस वो छंगेन को अपने साथ अपने खेमे में ले जाते हैं कुछ जरूरी बात करने। शफांग को फिर से टेंशन हो जाती है कि अब क्या हो गया। अंदर किंग टाइडर के खेमे में जैसे छंगेन इंटर करता है, किंग टाइडर उस पर झटके से वार कर देते हैं। आवाज सुनकर शफांग अंदर आने की कोशिश करती है, पर किंग टाइडर के ऑर्डर पर ये मोयान और हैशी उसे वहीं पर रोक लेते हैं। छंगेन इस अचानक से हुए वार के पीछे का कारण पूछता है तो किंग टाइडर उसे बताते हैं, मेरा गु फैमिली के साथ कई सालों का रिश्ता रहा है, तो मुझसे बेहतर उनकी तीरंदाजी को कौन पहचान सकता है। वो छंगेन से साफ साफ पूछते हैं कि उसका गु फैमिली से क्या रिलेशन है। जब छंगेन कोई भी सीधा जवाब नहीं देता तो किंग टाइडर उसको अपने तलवार के निशाने पर ले लेते हैं। और इस मोमेंट पर छंगेन आधा अधूरा सच रिवील करता है झूठ में लपेट कर, मैं गु फैमिली का ही हूँ। किंग टाइडर का भरोसा जीतने के लिए वो उन्हें झूठी कहानी सुना देता है कि जब देशद्रोह के अपराध में फंसा कर गु फैमिली का नामो निशान मिटाया जा रहा था, तब उसे किसी तरह वहाँ से बचा लिया गया और तब से वो अपना नाम और पहचान बदल के आम व्यापारी के रूप में वेस्टलैंड में रहने लगा। वो किंग टाइडर से यहाँ तक कह देता है कि वो आज ही दांची से चला जाएगा, क्योंकि अगर ली डायनेस्टी को गु फैमिली के मेंबर के जिंदा होने के बारे में पता चला तो वो तो खतरे में पड़ेगा ही, साथ ही दांची भी इसकी चपेट में आ जाएगा और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दांची इसकी वजह से खतरे में पड़े। छंगेन की चिकनी चुपड़ी झूठी बातों का असर किंग टाइडर पर हो ही जाता है और वैसे भी उनका गु फैमिली से एक अच्छा मेल जोल वाला रिश्ता रहा था, इसीलिए इस गु फैमिली के वंशज गु शाओ के लिए भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है और वो खुशी से गु शाओ को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शफांग की शादी के लिए भी पूरे दिल से हाँ बोल देते हैं। वो यहाँ तक वादा भी करते हैं उससे कि उनका दांची उसकी गु फैमिली का बदला बहुत ही जल्दी डायनेस्टी से लेंगे। बेचारे किंग टाइडर छंगेन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं। इसी तरह सुहाने कल की उम्मीदों के साथ वो अपने प्यारे दिल के टुकड़े शफांग का हाथ गु शाओ के हाथ में दे देते हैं। शफांग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। दांची में होने वाली इस ऐतिहासिक शादी के होने से पहले दांची में जश्न मनना शुरू हो चुका था। शादी अभी हुई नहीं थी लेकिन हमारी शफांग फुल ऑन बीवी वाले अवतार में आ चुकी थी और अपने होने वाले पति को डिसिप्लिन में रखना उसका अब रोज का काम बन गया था। छंगेन थोड़ी थोड़ी नशे में था और इसी नशे में वो शफांग से इंटीमेट होने का ट्राई करता है, पर शफांग उसे रोक देती है। खुश आओ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। इसी बात पर वो शफांग को बाहर मैदान में ले आता है और बताता है कि वो अभी शादी कर लेंगे और उससे अपने जोंगयांग की शादी के रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए शादी करता है। सबसे पहले झुकना है धरती और आसमान के सामने और दूसरी बार अपने माता पिता के सामने और तीसरी बार एक दूसरे के सामने। तो भाई जोंगयांग के रिचुअल और ट्रेडिशन के हिसाब से तो ये दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंध चुके हैं। साथ में ऐसे खुले आसमान को देखते हुए छंगेन के मन में दबी असली ख्वाहिश बाहर आ जाती है कि काश वो इसी जगह पर छुप जाए और कभी कोई उन्हें ना ढूंढ पाए, फिर कोई भी मुश्किलें उन्हें छू भी नहीं पाएगी। इस ख्वाहिश को सुनकर शफांग उत्सुक हो जाती है जानने के लिए कि वो किस तरह की मुश्किलों की बात कर रहा है। जाहिर था छंगेन अपनी असली प्रॉब्लम्स के बारे में तो उसे बता नहीं सकता, सो वो ये कह के टाल देता है, मुझे चाय के व्यापार को लेके टेंशन है और साथ ही अगर मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाया तो। शफांग छपांग से कहती है, इतनी सी बात, तुम बस मेरे साथ रहना और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। इस बात से छंगेन सीरियस हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी चाहे मैं कहीं भी रहूं? मासूम शफांग को क्या पता इस क्वेश्चन के पीछे वो किस तरफ इशारा कर रहा है। इस समय तो वो अपने स्कूशाओ के साथ किसी भी जगह किसी भी कंडीशन में रहने को तैयार है। वो दोनों प्लानिंग करते हैं एक लंबे एडवेंचरस वर्ल्ड टूर की।
शाफांग गुशाओ के साथ दुनिया घूमने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि वो तो कल ही दांजी की शादी की रस्मों के बाद इस जर्नी के लिए निकलने को तैयार थी। आज की रात कुछ ज्यादा ही लंबी थी और रात के साथ इनकी बातें भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुशाओ एक एज छंगिन अपनी मीठी बातों से शाफांग को और भी ज्यादा इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। शाफांग गुशाओ को अपने ग्रैंडपा किंग टाइडार से कंपेयर करती है। तुम और मेरे ग्रैंडपा दोनों सबसे बेस्ट हो जो मुझे इतना प्यार देते हो। गुशाओ में छुपा छंगिन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा से भी ज्यादा प्यार दूंगा। शाफांग कहती है, मुझे निराश मत करना और अगर किया ना तो मैं मायावी झील का पानी पी के तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। छंगिन हंसी में टाल देता है, अरे ऐसी जगह नहीं होती, और होती भी होगी तो हमें से किसी को भी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन पता चलता है कि शादी की डेट 7 दिन बाद की तय हुई है और छंगिन को अब 7 दिन और रुकना पड़ेगा दांजी में। इधर कुजियान भी अपनी तसल्ली के लिए निकल चुका था दांजी की ओर शाफांग को होने वाले युद्ध से बचाने के लिए, और दांजी के बॉर्डर पर ही उसके आने का इंतजार करता है। खबर मिलते ही शाफांग अपने शिफु से मिलने पहुँच जाती है। कुजियान जैसे ही उसे मिलता है तुरंत उसे ऑर्डर करता है, मेरे साथ शिजू वापस चलो। शाफांग एक्सप्लेन करती है, शिफु मेरी शादी हो रही है, मैं नहीं जा सकती वापस। कुजियान सवाल करता है कि जिस कुशाओ को वो बस अभी कुछ दिन पहले ही मिली है उस पर इतना भरोसा करके शादी कैसे कर सकती है। कुजियान उसे जबरदस्ती अपने साथ वापस ले जाने लगता है कि तभी छंगिन आकर उसे शाफांग को ले जाने से रोक देता है। कुजियान छंगिन को अलग ले जाके कन्फ्रंट करता है, तुम शाफांग को वापस ले जाने आए थे तो अभी तक वापस लाए क्यों नहीं, और ये शादी? हमारा समझौता हुआ था कि शाफांग की मदद से किंग के कैंप का पता लगाएंगे, ये काम तो हो गया, अब क्यों शाफांग से रिश्ते बनाने में लगे हो? छंगिन का मानना था कि शाफांग से शादी करके ही वो शाफांग को यहाँ से सेफली ले जा सकता है, और वैसे भी वो पूरे दिल से शाफांग से शादी कर रहा है, कोई धोखा नहीं दे रहा है उसे। कुजियान उसे धमकी देता है, मैंने ही तुम्हें शाफांग को सौंपा था, अब मैं ही उसे तुमसे वापस ले जाऊंगा। छंगिन भी चैलेंज करता है, वो मेरी पत्नी है, कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। कुजियान दिल पर पत्थर रख के शाफांग से अपनी उस हरकत के लिए माफी मांगता है और शाफांग को हर बार की तरह याद दिलाता है, शाफांग दुनिया में कोई रहे या ना रहे मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, जब भी बुलाओगी सामने आ जाऊंगा। जो हाथ कभी उसका हाथ पकड़ते थे आज वो किसी और के हाथों को थामे हुए है। कुजियान ने शायद हमेशा के लिए अपनी शाफांग को खो दिया था। शाफांग की शादी का इनविटेशन शाफांग के फादर तक पहुंचा दिया जाता है। बताओ बेटे की शादी की खबर फादर को इनविटेशन कार्ड से मिल रही है, क्या बात है। एक नॉर्मल फादर की तरह शाफांग के फादर को किंग टाइडार की इस मनमानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी बेटी का इतना बड़ा डिसीजन बिना उनकी सलाह के कैसे ले सकते हैं। शाफांग की शादी की खबर तो अब हर जगह फैल गई थी। ली डायनेस्टी का भेजा गया मिनिस्टर भी इस हरकत से आग बबूला हो रहा था। शाफांग की शादी की बात तो ली डायनेस्टी से चल रही थी तो फिर इस शादी का क्या मतलब है। इस तरह कहीं और शाफांग की शादी कराना तो ली डायनेस्टी के साथ बगावत करना हुआ। यहाँ ली डायनेस्टी से किंग के परमिशन के साथ लियान वही लेफ्ट मिनिस्टर का बेटा प्रिंस श्वांडे के पास वेस्टलैंड वापस आ गया था। अपने दाएं हाथ लियान को फिर से वापस पाकर प्रिंस श्वांडे की तो प्लानिंग प्लॉटिंग में चार चार लगने वाले हैं। अब क्योंकि प्रिंस श्वांडे को भी पता लग ही गया था कि दांजी में शादी का समारोह होने वाला है जिसमें शादी के 2 दिन तक एक शानदार जश्न रखा जाने वाला है, और जाहिर है जश्न के वक्त कौन ही अपने हथियार वगैरह को साथ में रखेगा और न ही कोई किसी हमले को लेकर सावधान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रिंस श्वांडे और लियान जो हमला वो महीने के आखिर में करने वाले थे वो हमला अब उस समय से पहले ही इसी शादी के जश्न वाले दिन ही दांजी पर करने की पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। और बुरी बात ये है कि छंगिन को इस बदलाव के बारे में कोई आइडिया नहीं है।